जहाँ हमने रिटेल के अंदर सेल्स के एनालिसिस इनकम के हवाले से एनालिसिस प्रोडक्टिविटी के हवाले से एनालिसिस डिस्कस किए हैं वहाँ एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट से रिलेटेड एनालिसिस भी किए जाए रिटेल के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है बेशक वो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल लिए। कॉस्ट है बेशक वो एच आर कॉस्ट है या और इसके अलावा कॉस्ट बहुत सारी हैं ऑपरेशन कॉस्ट है मैंटेनेंस कॉस्ट है सिक्योरिटी की कॉस्ट है और किसी भी हवाले से Uh, जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है जो मेन कॉस्ट है जो रिटेल के अंदर इसका एनालिसिस ज़्यादातर किया जाता है वो एक तो ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट है कि बिजनेस को ऑपरेट करने की मेरी क्या कॉस्ट है एक रिटेल स्टोर को ऑपरेट करने की क्या कॉस्ट है सो ओवरऑल कॉस्ट की परसेंटेज का एनालिसिस किया जाता है और दूसरा जो मेन कॉस्ट किसी भी रिटेल बिजनेस के अंदर है वो एचआर कॉस्ट है तो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट परसेंटेज क्या है ऑफ द ओवरऑल बिजनेस ये दो कॉस्ट जरूर कैलकुलेट की जाती हैं बिजनेस एनालिसिस करने के हवाले से वैसे तो आप किसी भी चीज की कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन ईजिली सी कि हाँ मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट परसेंटेज क्या है ऑफ माई बिजनेस ये कॉस्ट एनालिसिस आपको ये बताएगा कि ये कॉस्ट कितनी है आपका ओवरऑल बिजनेस का एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स तो जितनी परसेंटेज ऑफ सेल्स होगी रिटेलर का टारगेट ये होगा कि वो कैसे इस परसेंटेज ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर सके क्योंकि दिस आर रिलेटेड टू कॉस्ट सो कॉस्ट को रिड्यूस करना विल ब्रिंग इन मोर प्रोस्पैरिटी फॉर द बिजनेस डिस्कस करने लगा हूं मैं आपके सामने इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटिंग कॉस्ट की परसेंटेज तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है हर तरह की कॉस्ट उसके अंदर शामिल है फॉर्मूला बहुत सिंपल है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स रेवीन्यू ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लाई बाई 100 ये आउटकम ऑफ दिस फार्मूला हमें बताएगा कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज क्या है एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस की ट्वेंटी है इसमें उसका रेंट भी शामिल है लोगों की तनख्वाह भी शामिल है बिजली का बिल भी शामिल है पानी का बिल भी शामिल है टेलीफोन का बिल भी शामिल है तमाम तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी शामिल हैं तो, तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपी जो टोटल सेल्स वो उस रिटेल स्टोर से जनरेट कर रहा है वो है वन मिलियन इन अ पर्टिकुलर मंथ फॉर एग्जाम्पल तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज क्या है फार्मूले के अंदर हम लगा लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन मिलियन सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ये जो दो परसेंट आया है ये दो परसेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरी उस बिजनेस की उस रिटेल स्टोर को चलाने की कॉस्ट दो परसेंट है रिटेल का टारगेट क्या है रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कैसे इस कॉस्ट को हर मंथ हर साल रिड्यूस कर सके और नॉर्मली उसको रिड्यूस करने के दो तरीकेकार हैं या तो यू इंक्रीज योर सेल्स या फिर यू हैव टू रिड्यूस योर ऑपरेटिंग कॉस्ट एज ए वैल्यू या अगर पहले बिजली का बिल छः हजार रुपये आता था सो नाउ यू हैव टू रिड्यूस दैट बिल उसको बिजली की एफिशिएंसी को इम्प्रूव uh, करके कॉस्ट सेविंग करके यू कैन रिड्यूस दैट कॉस्ट तो ये दोनों करने से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी जो कि रिटेल बिजनेस का रिटेलर का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है अब हम आते हैं एच कॉस्ट की तरफ एच कॉस्ट की परसेंटेज फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी आपकी जितनी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल्स ऑफ दैट रिटेल स्टोर्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आउटकम आपको मिलेगा एच आर कॉस्ट परसेंटेज हर रिटेलर एक बेंचमार्क सेट करता है कि मेरी टोटल बिजनेस की सेल्स का कितने परसेंट मेरी एच आर कॉस्ट हो क्योंकि वो इंप्लॉई की प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है लेकिन जो एच आर की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करता है थ्रू बाई डिवाइडिंग इट टू फ्रॉम द टोटल सेल्स तो एच आर कॉस्ट लट से किसी बिजनेस की दस हजार रुपए है एग्जाम्पल मैं बिल्कुल छोटी एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर के जो पेयरोल्स हैं दे आर नॉर्मली इन मिलियंस तो हम इन जनरल एक छोटे किराना स्टोर की एग्जाम्पल की बात कर रहा करूँ से उसकी टोटल एच आर कॉस्ट उसने एक छोटा रखा हुआ है दुकान में सो द सैलरी ऑफ दैट छोटा इज दस हजार रुपए एंड टोटल सेल्स ऑफ दैट रिटेल स्टोर इज सपोज वन मिलियन तो फार्मूला आपको बता रहा है कि टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन मिलियन मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड आपको आउटकम दे रहा है वन का दिस मींस के आपकी एच आर कॉस्ट इज वन परसेंट ऑफ योर सेल्स तो एच आर कॉस्ट इज वन परसेंट ऑफ सेल्स तो क्या ऑब्जेक्टिव है रिटेलर का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे इस एच आर कॉस्ट को हर साल रिड्यूस कर सके और क्योंकि कॉस्ट है ऑब्जेक्टिव इसको रिड्यूस करना ही है दो तरीकेकार हो सकते हैं रिड्यूस करने के नंबर वन एच आर कॉस्ट को रिड्यूस कर ले या अपनी सेल्स को इंक्रीज कर ले तो अगर आपने देखा हो नोटिस किया हो तो बेशक वो सेल्स बेशक वो कॉस्ट से रिलेटेड कोई पैरामीटर है बेशक वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई पैरामीटर है डिपेंडेबिलिटी रिटेल की बहुत ज़्यादा है सेल्स रेवेन्यू के ऊपर जो कि एक रिटेलर जनरेट कर रहा है जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ही कम उसकी कॉस्ट होगी और उतनी ही बेहतर उसकी प्रोडक्टिविटी होगी